हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अंबिका सुपर किचन। आज मैं लेकर आई हूँ चॉकोलावा केक की रेसिपी विथ सम टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसे आप यूज़ करके घर पर ही बैठे बैठे बना सकते हैं परफेक्ट चॉकोलावा केक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर हिट कर देना, सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चॉकोलावा केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें मोल्ड, सिलिकन मोल्ड या फिर नॉर्मल जो मोल्ड्स आते हैं पेपर मोल्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, बट दोनों ही अभी मेरे पास नहीं है तो मैं एल्युमिनियम फॉइल से बना रही हूँ मोल्ड। आपको क्या करना है, 12 सेंटीमीटर की विड्थ में आपको एल्युमिनियम फॉइल को कट कर लेना है, उसे बीच से फोल्ड कर लेना है और उसे ग्लास पे रखना है, ग्लास सेंटर में होना चाहिए, एंड आइट साइड के पार्ट्स को नीचे ड्रॉप करते हुए आपको पैक करते जाना है। तो देखिए इस तरीके से। नाउ अब आप इसको सीधा कर लीजिए ग्लास को, एंड जो ऊपर के पार्ट्स हैं उन सबको फोल्ड कर दीजिए टाइटली। देखिए तो इस तरीके का आपको जो मोल्ड है वो बनकर रेडी हो जाएगा। इट इज़ वेरी इजी टू मेक एट होम। सो इन टोटल मैंने यहाँ पर 3 मोल्ड्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें ग्रीस करेंगे विथ सम ऑयल। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप स्टील की कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू, बट स्टील की कटोरियों को आप माइक्रोवेव में मत रखना, नहीं तो कांड हो जाएगा। मोल्ड्स तैयार करने के बाद अब हम आते हैं अपनी मेन प्रोसेस पे। तो चॉकोलावा केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं गुड्डे के चॉको चिप बिस्किट्स। 2 पैकेट्स हैं, इन टोटल 200 ग्राम बिस्किट्स हैं। ये जो बिस्किट्स हैं ये बेस्ट होते हैं टेस्ट में भी, और इनका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा आता है, एकदम चॉकलेट कलर आता है। तो सबसे पहले इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैं बता दूं आपको कि ये 32 बिस्किट्स हैं। अगर आप कोई और बिस्किट यूज़ करना चाहते हैं तो आप 32 बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर 200 ग्राम बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें चॉको चिप बीच में डली हुई है, एंड मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ, बेस्ट है इसे यूज़ करके देखना एक बार ज़रूर केक या कोई भी रेसिपी बनाने के लिए, आप मान जाओगे इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो बिस्किट्स को अब हम डाल देंगे जार में और इसका एक अच्छा सा फाइन पाउडर बना लेंगे। अगर आप इसका शेक बनाना चाहते हो, या मैंने एक रेसिपी डाली है ओरियो मड पॉट, वैसा ही अगर आप इसका मड पॉट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो यहाँ पे जो फाइन पाउडर है वो बिल्कुल बनकर रेडी है, इसे आपको छानना नहीं है। फाइन पाउडर को आपको कभी नहीं छानना है बिस्किट के, अगर कोई चंक रहता है उसमें सो इट्स ओके, उसे आप हटा दीजिए, बट इसे आप कभी मत छानना। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख ही सकते हो उसका कितना अच्छा कलर है, एकदम चॉकलेट, जो डच प्रोसेस कोको पाउडर रहता है ना सेम उस तरीके का है। अब इसमें हम डालेंगे 4 छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी। इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमारी नॉर्मल खाने वाली चम्मच होती है उस चम्मच से मैंने यहाँ पे चीनी ली है, एंड अब इसमें हम डालेंगे दूध। थोड़ा थोड़ा करके डालना है यहाँ पे, इन टोटल आधा कप यूज़ होगा। आप देख लेना आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एकदम पोडिंग कंसिस्टेंसी का बैटर आपको बनाना है। तो ये देख लो आप लगातार गिर रहा है, और जैसे नीचे गिर रहा है वैसे ही फैल रहा है। थोड़ा सा और मैं दूध इसमें डाल के इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए आप परफेक्ट बैटर जो है, परफेक्ट फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर जो है हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट पे जब आपको इसे मोल्ड में डालना हो उससे जस्ट पहले आप इस पर बेकिंग पाउडर डालिए 1 छोटी चम्मच के करीब। बेकिंग पाउडर को जेंटली आपको मिक्स कर लेना है, ज़्यादा आपको मिक्स नहीं करना है, सिंपल आपको एक दो बार बस ऐसे चलाते हुए मिक्स कर लेना है। और इसी टाइम पे अब हम इसे जल्दी से जल्दी मोल्ड्स में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप एक दाल वाली चम्मच का यूज़ कर लें और यहाँ पे मैंने जो मोल्ड है उसमें पहले तो 1.5 चम्मच डाला था, फिर चॉकलेट रखी है इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सी भी चॉकलेट का यूज़ कर सकते हो लेकिन डार्क कंपाउंड चॉकलेट बेस्ट होती है। तो अच्छे बड़े बड़े क्यूब्स लिए मैंने ताकि भर भर के लावा निकले, कंजूसी नहीं करनी है इसमें। ओके तो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट के क्यूब्स। अब इसके ऊपर से आपको बस थोड़ा सा हल्का सा बैटर डालना है, बहुत भर के नहीं डालना है, इतना कि बस चॉकलेट कवर हो जाए।
एक बार बैटर डालने के बाद आप इन्हें थोड़ा सा हल्का टैप कर लें ताकि जितने भी एयर और बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं। अब हम चलते हैं बेकिंग की प्रोसेस पे। तो बेक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 3/4 कप नमक डाल के एक बायर स्टैंड रख के उस पर एल्यूमिनियम प्लेट रखी है और इसे प्री हीट कर लिया था मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब इसके ऊपर हमें मोल्ड्स रखना है एल्यूमिनियम प्लेट के ऊपर। अगर आपके पास एल्यूमिनियम प्लेट नहीं है तो आप स्टील प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसे अच्छे से प्री हीट कर लें 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब इसे हम बेक करेंगे 12 से 14 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे। ध्यान इस बात का रखना है कि आप 10 मिनट के बाद इसको एक बार चेक कर लें। आप इसकी सरफेस को हाथ लगा के देखना और अगर वो आपके हाथ में वापस चिपक के नहीं आ रही मीन्स ये अच्छे से बेक हो चुका है। अब मैं इसको आपको बता देती हूँ कि कैसा बना है। बिल्कुल भी ठंडा नहीं किया मैंने, गर्मा गर्म ही इसको खोल लिया था और ये आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से इसमें से लावा बाहर निकल के आ रहा है फूट फूट के। तो ये बेस्ट चोको लावा केक बनकर रेडी है। टेस्ट में भी बेस्ट था ये, बहुत ही यमी। अगर आप किसी को भी खिलाएंगे तो वो बार बार आपसे कहेगा कि हमें एक और बार खिला दो, एक और बार बनाकर खिला दो। बेस्ट है ये चोको लावा केक। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना। और अगर आप इस केक को ट्राई कर रहे हो तो प्लीज़ पिक्चर्स मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर फेसबुक हैंडल पे आप मुझे भेज सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।